वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के तेल का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है।